तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई, नेक्स्ट जनरेशन डैशबोर्ड विथ पावर बीआई। तो पावर बीआई में हमने विजुलाइजेशन टूल्स के बारे में जाना, मतलब कि चार्ट के बारे में जाना, हालांकि डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हमने आपको फिलहाल इतना बता दिया जिससे आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। उसके बाद वापस हम लोग डेटा पे आते हैं, क्योंकि डेटा एक बार कनेक्ट करना सीख लेंगे तो हम डैशबोर्ड अपने हिसाब से बनाएंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन मेजर्स वगैरह इस्तेमाल कर पाएंगे। तो डेटा कनेक्ट में हम आप बात करेंगे कि डेटा कनेक्ट करने के बाद आप क्या क्या चीजें उस पर कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है। उससे पहले अंकित जी की एक प्रॉब्लम है, हमारे बैच में अंकित जी है, अंकित जी की प्रॉब्लम है कि उनका क्या है कि एक फाइल है जिसमें डेटा अपडेट होते रहता है, मतलब कि एक तारीख का डेटा आया, फिर दो तारीख का डेटा आया, फिर तीन तारीख का डेटा आया, तो कुछ ऐसा वो डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं कि जैसे जैसे डेटा अपडेट हो उनका डैशबोर्ड भी प्रिपेयर होता चला जाए। ओके, तो मैं यहां से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को शेयर करता हूं। तो हम क्या करते हैं कि मंथली डेटाबेस तैयार करते हैं, तो उसके लिए हम एक एक्सेल फाइल, डमी एक्सेल फाइल में डेटा तैयार करते हैं, सिंपल डेटा तो सही रहेगा। तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले यहां पे देते हैं मंथ, फिर देते हैं नेम, फिर देते हैं सिटी, और उसके बाद हम देते हैं यहां पे एमआरपी, और फिर देते हैं प्रोडक्ट वन की क्वांटिटी, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, इस तरह से कई सारे प्रोडक्ट हम दे देते हैं, थोड़ा सा लंबा डेटा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और मंथ में जैन फाइव हो जाएगा, इसको लेके ड्रैग कर देता हूँ मैं नीचे, और डेटा मैं एक मिनट, जैन फाइव नहीं, जैन जैन ही रखता हूँ मैं, 100 डेटा मैं ऐड करता हूँ। मान लीजिए 100 डेटा ऐड हो गया जनवरी का, सेल्स पर्सन, सिटी, लैंड बिटवीन 10 से लेके 90 तक का हम दे देते हैं, एक डमी डेटा तैयार हो जाएगा, और नीचे ड्रैग करते हैं, कॉपी किया और हमने इसको पेस्ट कर दिया पहले थी। उसके बाद इस फाइल को मैं सेव करता हूं 2020 के नाम से, एक्सलेस एक्स, और लोकेशन हम दे देते हैं मान लीजिए जी 2020 में, और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। उसके बाद मैं आता हूं अपने पावर बीआई पे, मैं यहां आता हूं, उससे पहले करता हूं गेट डेटा में एक्सेल पे क्लिक कर देता हूं, और जी ड्राइव के 2020 के फोल्डर में हमने 2020 का फाइल लिया, ओपन किया, और हमने सीट वन को सिलेक्ट कर लिया, और यहां पे हमने लोड कर लिया। थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा इंतजार करते हैं। ओके, और उसके बाद मैं यहां पे चार्ट ले लेता हूं और मंथ को रखता हूं यहां पे, और अब यहां पे देखिए टोटल नहीं है ना, एक काम करता हूं टोटल छोड़ देता हूं, मैं यहां पे एमआरपी को एवरेज कर देता हूं, एमआरपी दिया
वैल्यू ऑफ एमआरपी, और इसमें हमने 100 सम के जगह पे एवरेज कर दिया। तो जनवरी का है, राइट सर। अब हम इसी फाइल को ओपन करते हैं, उसमें फरवरी का डेटा डालते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपका अंकित जी, हेलो अंकित जी, अब यहां पे फरवरी का डेटा डाल देता हूं, फैब डाल दिया, और फिर यहां पे रैन बिटवीन और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूं, कॉपी किया वैल्यू पेस्ट, जैसे ये हमारा, और इसको सेव कर देता हूं और साथ में क्लोज भी कर देता हूं। अब मैं यहां पे रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है सर, रिफ्रेश कीजिए। आ गया डेटा पूरा, पर एक छोटी सी गलती हुई थी हमसे, हमने ड्रैग कर दिया था जैन फाइव को, तो पूरा जैन फाइव मार्च अप्रैल सब आ गया उसमें, हमें सिर्फ फाइव ही चाहिए था ना। हाँ, रिसेट किया और यहां ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा जैसे पिवट में करते थे। ओके सर। हाँ सर, अब इसमें एक काम और है, जैसे कि हमने यहाँ पे ओपन पे गया और हमने 2020 को वापस ओपन कर रहा, अब बोलिए वीर जी। सर इसके बाद ना एक मेरा क्वेश्चन एक होता, जब हम कॉम्बो चार्ट बनाते हैं ना, तो अगर मान लो मैंने एक एक्सेल अपलोड करी है, उसमें डेटा है और जनवरी का डेटा है उसमें नंबर्स में, और उसके बाद सी कॉलम में परसेंटेज में नंबर है, देख कितना ग्रोथ हुआ कितने परसेंटेज में, तो उसको कॉम्बो चार्ट बनाते हैं ना कि नंबर्स को मुझे कॉलम में चाहिए और परसेंटेज को मुझे लाइन में चाहिए, तो वो बन नहीं रहा था उसमें, एक बार वो थोड़ा क्लियर कर देना। देखता हूं, तो ऐसी प्रॉब्लम हो तो सैंपल डेटा मेल कर दिया कीजिए मुझे, हमने मार्च से यहां पे कर दिया, यहीं पे एक्सेल में ही फाइल में पब्लिश होता है, पब्लिश में यहां पावर बी आई दिख रहा है आपको, इसी पे आप कर दीजिए अपलोड, साइन अप फॉर पावर बी आई अकाउंट, माफ कीजिएगा इस अकाउंट से नहीं से कर सकते हैं, बट इस अकाउंट से मेरा लिंक नहीं है बना, ऑटोमेटिक वो चला जाता मेरे इस पावर बी आई रिपोर्ट ऑनलाइन पे। ये समझ में आ गया ना आपको सर, अब यार रिफ्रेश करूंगा यहाँ मार्क का रिपोर्ट आ जाएगा। हाँ सर। नहीं नहीं फाइल सेव नहीं किया मैंने, सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ, फाइल लेकिन सेव करना होगा, सेव नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं उनकी प्रॉब्लम पे, क्या आपने क्या बोला सर? मैंने ये बोला था सर, अगर ए कॉलम में मेरे नाम है और बी में है मेरे नंबर्स और सी में है परसेंटेज। चलिए, आपने बोला ए में आपके नेम है, राइट, बी में आपके क्या है, सेल्स है, नंबर्स, नंबर्स और सेल्स मान लीजिए ना, और सी में आपका परसेंटेज है, परसेंटेज ग्रोथ, राइट, या फिर पी आर ओ प्रो परसेंटेज कर देते हैं, ठीक है, राइट। अब आप में से मान लीजिए हमने दिया पूजा, सेल हमने किया 65 और परसेंटेज मान लीजिए 10%, यहाँ पे नीरज सेल में मान लीजिए 78 और यह मान लीजिए यहाँ पे 25%, और यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ओम है, पांच नाम कम से कम देता हूँ 36%, और यहाँ आपका देव 50%, और यहाँ पे कविता 50%, और यहाँ पे मुकुल
24%। ओके, अब मुझे इसको लोड करता हूं। हमने डेटा एक्सेल पे लबला के लोड कर सकता, मैंने यही पे बना दिया, छोटा सा डेटा था तो मैंने यही पे बना दिया। तो यहाँ पे टेबल वन हमारे पास आ गया, राइट? आप बोल रहे हैं कॉम्बो चार्ट, तो कॉम्बो चार्ट कौन सा लिया था, लाइन एंड स्टैक या लाइन एंड कर्सर? सर मैंने दोनों ही लेके दिया था, पर वो जो मैं बनाना चाह रहा था ना बन नहीं रहा था, तो मैं लाइन और कर्सर लेता हूँ, ठीक है ना? ओके। और इसमें हमने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, सेल्स को रखा, हमने यहाँ पे क्या किया परसेंटेज को रखा, और हमने यहाँ नेम को रखा, रखा? अब आप देखेंगे यहाँ पे लाइन नहीं बन रहा है, तो यहाँ आपको दिख रहा है नीचे कॉलम वैल्यू लाइन वैल्यू, तो जिसको लाइन वैल्यू में रखना है उसको उठा के लाइन वैल्यू में डाल दीजिए, बन गया था लाइन। मेरे वाले में मेरे पास जो डेटा है ना जिस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैंने एक डैशबोर्ड बना रखा था एक्सेल के अंदर, उसको मैं इसमें बना रहा था ना, तो कॉम्बो चार्ट ये बन नहीं रहा था। आपके साथ आपने देखा होगा यहाँ पे उठा के आपने पुट किया था लाइन पे, जैसे आपने किया ना सेम वैसे ही किया था मैंने, पर मेरा क्या हो रहा है कि वो लाइंस है ना जो लाइंस बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, तो आपका वैल्यू स्ट्रेट होगा, इस लाइन स्ट्रेट दिख रही होगी। नहीं वैल्यू का सर ग्रोथ तो है, जैसे कि किसी का डी ग्रोथ हुआ है, किसी का ग्रोथ तो हुआ आपने है। इधर सेकेंडरी एक्सेस बना है आपका, ये सर बना। आप एक काम कीजिएगा, दोबारा से ट्राई कीजिएगा, और जहाँ प्रॉब्लम होगा उसका फोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा, मैं देखूंगा क्या कर रहे हैं। ठीक है इस एरिया का भी, और इस एरिया का भी, और डेटा का भी। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पे। एक काम बहुत दिन से पेंडिंग है, मैं सोच रहा हूँ उसको पूरा करूँ। एडमिन, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को एक्सेस करेंगे। यहां पे ऐड यूजर, सबसे किसको सबसे आईडी चाहिए? योगेश जी आपको आईडी है? सर मेरा आईडी हो गया मेरे पास। ओके, अजय जी आपको चाहिए? सर सबसे पहले अजय जी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अजय, लास्ट नेम क्या लिखते हैं? चौहान। चौहान डिस्प्ले में आया होगा। यूजर नेम यहाँ पे अजय डॉट ipt। अब स्क्रीन शॉट ले लेंगे अजय डॉट ipt, राइट? यहाँ पे @ipt.delhi.india.onmicrosoft.com url है। ओके, ठीक है सर। अब आपके पासवर्ड में मैं आपका ईमेल आई डाल देता हूँ, बाद में आप चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। अजय जी का नंबर मैं एक बार देख लेता हूँ ना, बोलिए कल ये रिकॉर्ड हो रहा है ना सेशन, हो सकता है यूट्यूब पे चला जाए।
लास्ट में @IPT लगा है, ठीक है, आपका नंबर के लास्ट में IPT लगा है पासवर्ड में। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सर? ले लिया। पासवर्ड में सर आपने जो मेरा ईमेल आईडी है? ईमेल आईडी नहीं है, पासवर्ड में मैंने आपका मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर के लास्ट में लिखा हुआ है @IPT। अच्छा ठीक है सर, डन। स्मॉल में ठीक है सर। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का रोल आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, यूजर का रोल मिल रहा है, तो इस तरह का आईडी आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। प्रोफाइल इन्फो में नहीं, प्रोफाइल यहाँ पे ये डिफॉल्ट था वो दे दिया मैंने यहाँ पे, नेक्स्ट एंड फिनिश। आप खुद से बनाते हैं तो मैंने पूरा एक्सेस मिल जाता। पावर फ्री का मैंने दे दिया आपको। अब दूसरा किनको चाहिए? सर मुझे चाहिए। एक मिनट, ये है आपका इम्तियाज जी, राइट? जी जी। तो आपका नाम मैं MD इम्तियाज कर देता हूँ, ठीक रहेगा ना? ठीक है सर, IMTIAZ। ठीक। और मोबाइल यूजर आईडी में MI खान कर दीजिए। MI खान आ जाएगा, MI खान स्मॉल में। MI खान ठीक है ना? ठीक है। नहीं है MI खान, है इस कुछ भी आ जाएगा, मेरा ऐसे लगा हुआ है ना। अच्छा अच्छा, पब्लिक थोड़ी है कि नहीं आएगा सर, तो मेरे URL पे एक नाम के दो होंगे तब दिक्कत होगा ना। ओके। और आपका मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, 98252। एक मिनट मत बोलिए, पासवर्ड रिकॉर्ड हो रहा है। वही मोबाइल नंबर के बाद @IPT है स्मॉल में। ओके थैंक यू। और क्यों कॉल चाहिए? अंकित जी आपके पास है? सर मेरा बना हुआ है। ओके, अंकित जी का बना हुआ है, उगेश जी को बना हुआ है। सरा जी आपको चाहिए? ओके चलिए। अब आपको करना कैसे है, इसको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको जाना है Power BI के साइट पे, ठीक है, power.microsoft.com वहां जाना है और आपको यहां से साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन करने के बाद पासवर्ड को अपना डाल दीजिएगा तो आपको इस तरह का विंडो आएगा, जिसमें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं बट आपके पास रिपोर्ट्स नहीं होंगे। उसके बाद सिर्फ Power BI पे, जैसे यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है तो Power BI के भी साइन इन, देखिए यहाँ पे साइन इन मिलेगा आपको, या फिर जो फर्स्ट विंडो खोलते वहां पे साइन इन मिलेगा, वहां पे आप साइन इन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो साइन इन कर लीजिएगा उसी आईडी से, जो आईडी मैंने आपको अपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, उसी का स्क्रीनशॉट ले लिया है ना सर? तो उसी से कीजिएगा। तो क्या होगा कि जब भी इस रिपोर्ट को मैं, मान लीजिए कि मैंने इसको पब्लिश किया, हालांकि मेरा इसमें तो कोई और आईडी है, Power BI के डाला हुआ है, तो वो रिपोर्ट वहां पे चली जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां इसको साइन आउट कर देता हूं यहां पे, और यहां पे मैं आउट लेता हूं, यहाँ पे Power BI दोबारा साइन इन करता हूँ। वही आ रहा है साइन, साइन आउट करने के बाद भी वही आता है,
मेरे पावर बी में दो आईडी है, पासवर्ड अपडेट के लिए बोल रहा है। एक मैंने नहीं पुराना पासवर्ड बोल रहा है जानने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा अपडेट करते ही यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, इस आई रिपोर्ट से। यहाँ पे तो मैं अपनी रिपोर्ट को यहीं पे एक्सेस कर सकता हूँ ऑनलाइन, समझ गया। और रिपोर्ट को अच्छे तरह से यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे मेरा वर्क स्पेस है, माय वर्क स्पेस में मेरे सारे यहाँ पे रिपोर्ट, डैशबोर्ड, रिपोर्ट, वर्कबुक, डेटा सेट, देखिए डेटा सेट सारा यहाँ पे देखिए हमारा। और यहाँ पे अपना डेटा सेट भी ओपन कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी रिनेम कर सकता हूँ, सेटिंग डाउनलोड कर सकता हूँ, सारा कर सकता हूँ यहाँ पे डेटा सेट पे। यहाँ इसको अपडेट कर सकता हूँ, रिफ्रेश, ताकि वो आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात कर रहे हैं, दो चीजें होती है। पहले होती है कि जब डेटा आप इंपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट करते समय ही आप पावर क्वेरी में उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। चेंज मतलब, अब एक एक सिंपल सा हम आपको एक ये दे रहे हैं डेटा, एक डेटा हम आपको बना कर दे रहे हैं जिसमें नेम है और मंथ है। एक सिंपल सा डेटा हम आपको सामने बना के अपलोड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या खासियत है इसमें पावर क्वेरी में और पावर बीआई के डेटा सेट में। तो यहाँ पे नेम है और यहाँ हमने ले लिया, और नेम में मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं देता हूँ मंथ, दिसंबर का। अब मैं यहां रैंड बिटवीन करता हूं और नंबर देता हूं। एक सिंपल सा डेटा, और इसको भी सेव करता हूं मैं, इसको भी अक्टूबर के नाम से सेव करता हूं, इसके नाम से करता हूँ, और इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं इसको पावर बी आई में लोड कर रहा हूँ। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि मेरा ऑलरेडी पिवट डेटा है, मतलब कि ऑलरेडी एक समरी डेटा है हमारा, तो मैं चाहता हूं कि वो डेटा पिवट के फॉर्म, डेटा फॉर्मेट में, क्योंकि ये जो डेटा आप देख रहे हैं ऑलरेडी पिवट समरी फॉर्मेट में है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि पहले नेम आए, मंथ आए, फिर सेल आए। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब कि इस तरह का टेबल बने, उसमें तीन कॉलम हो, पहला में नेम,
दूसरा में मंथ और तीसरा में सिटी। तो पूजा यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से पूजा का होगा, पूजा का जैन का सेल पूरा आ जाएगा यहाँ। फिर फैट का इसके नीचे, फिर फैट का सेल आएगा, फिर मार्क का सेल आएगा। ऐसे में इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना चाहता हूं। तो अगर हम इसको अपने एक्सेल शीट पे करते हैं तो वहां पे मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा। मैं एक बार समझा ही देता हूं, मुझे लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए डेटा आ गया, तो मुझे डेटा इस फॉर्मेट पे नहीं चाहिए, डेटा मुझे चाहिए यहां पे, मैं यहां पे रख देता हूं नेम, मंथ और सेल। तो इसको हम कॉपी करके यहां पेस्ट करेंगे, फिर हम डेटा को कॉपी करेंगे यहां पेस्ट करेंगे, और फिर यहां जनवरी को लेंगे, यहां पूरे में पेस्ट करेंगे। और यही प्रोसीजर फरवरी के लिए, यही प्रोसीजर मार्च के लिए करेंगे। इस तरह का डेटा सेट चाहिए। तो यहां पे हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे। जब ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं तो पावर क्यूरी पे चला जाता है, और पावर क्यूरी पे हम चेंज करेंगे तो पावर बीआई में नहीं आएगा। बट पावर बीआई में चेंज करेंगे तो जो ओरिजिनल डेटा भी रहेगा और चेंज डेटा भी रहेगा, बट इसे चेंज होके आएगा। तो इसमें हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं, हमें हमें डेटा को सिलेक्ट करना होगा। पहले क्या करना होगा, एक पूरा डेटा को सिलेक्ट करना होगा, पूरे कॉलम को। उसके बाद यहां आपका ट्रांसफॉर्म में अनपिवट कॉलम, ठीक है। अब एट्रीब्यूट आ रहा है, उसके जगह इस एट्रीब्यूट का नाम चेंज करके आप मंथ दे दीजिए, मंथ। और यहां देखिए ये आपका वैल्यू आ गया, ये आपका मंथ आ गया, जैसा मैंने बोला था सेम उसी तरह से आया। समझे सर? अगर इसमें कुछ गलत होता है तो यहां से इसको क्रॉस करके अप्लाई स्टेप को हटा भी सकते। अब मैं इसको यहां से होम में आके क्लोज एंड अप्लाई करता हूं। अब डेटा देखिए यहां पे सीट टू का डेटा आ गया, आ गया। अब इस पे इजीली हम मंथ बाई लगा सकते हैं, जैसे कि मंथ बाई हमने यहां पे मंथ को रखा और यहां पे हमने वैल्यू, अब वैल्यू को सेल्स कर देना चाहिए था पर हमने नहीं कर पाए, कर सकते वरना। अगर इसी उसी उस डेटा, अगर मेरा जो ओरिजिनल डेटा था वो डेटा आता तो यहां पे हर एक मंथ का अलग अलग कॉलम में जाता, मुझे वन बाई वन 12 कॉलम को रखना पड़ता। तो पावर क्यूरी इस तरह का बेनिफिट करता है। तो अब यहां पे आप देखेंगे हमारे पास जो डेटा आया है सीटीयू का, वो डेटा उसी तरीके से आया है। अब जरूरी नहीं है कि हम चेंजिंग पावर क्यूरी में ही करें, हम चेंजिंग यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। चेंज कर दिया। तो कल से जो हमारी क्लासेज होगी उसमें हम पावर क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे, और पावर क्यूरी के बाद फिर हम पढ़ेंगे इसके पावर बीआई के टेबल की कैलकुलेशन पे, राइट सर? तो कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके बाय।